हाय हेलो नमस्कार और हैप्पी 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 न्यू ईयर। सभी का न्यू ईयर मंगलमय हो उसी का आशा करता हूँ। कौशिक थिंग्स चैनल देखने के लिए सभी का फिर से धन्यवाद। हमारे टेक्निकल सैटरडे प्रोग्राम का आज एपिसोड नंबर 11 टॉपिक में आज जाने से पहले पिछले एपिसोड में हमने प्रश्न पूछा था कि भारत के स्वाधीनता संग्रामी जिनको 18 साल की उम्र में अंग्रेजों ने फांसी दिया था उनका नाम क्या है। आप सभी को पता चल ही गया होगा उनका नाम है खुदीराम बोस। तो चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सभी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक का जो थंबनेल है आप लोगों ने देख के आपको पता चल ही गया होगा कि थोड़ा लंबा होगा क्योंकि तीन टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। पहला हो गया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है वो समझने से पहले करेंसी समझते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो करेंसी चलता है वो हो गया रुपी, और इंडियन रुपी को जो कंट्रोल करता है वो हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है उसको कोई कंट्रोल नहीं करता है, वो क्रिप्टेड करेंसी है, उसको हर कोई यूज कर सकता है और उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ऊपर का बोर्ड वगैरह कोई नहीं है। अभी क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है समझने से पहले हम समझते हैं जो भी खनिज पदार्थ होता है जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, कोल हो गया, इनको जमीन से निकालना पड़ता है, माइन करके निकालना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं माइनिंग। उसी तरह से जब क्रिप्टो करेंसी को निकालना होता है उसको जमीन से नहीं सर्वर से माइन करके निकालना पड़ता है। और क्रिप्टो करेंसी माइन करने का एक ही मात्र इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा यूज होता है वो हो गया ग्राफिक्स कार्ड। हर एक करेंसी का अलग अलग रेगुलेटरी पैरामीटर होता है, मतलब रिक्वायरमेंट पैरामीटर होता है जो माइनिंग करने के लिए। बिटकॉइन का अलग, इथेरियम का अलग, डोज कॉइन का अलग, सभी का रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन सभी के लिए चाहिए वही ग्राफिक्स कार्ड। अभी ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस हाइक क्यों हो रहा है? इंडिया में पहले ये माइनिंग क्रिप्टो माइनिंग का इतना चलन नहीं था। मुझे अभी भी याद है साल तक 2010 या 11 होगा, तब मैं बैंगलोर में रहता था, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखाया था कि इसको ये होता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, इसको ऐसे ऑनलाइन इसको माइनिंग करता है। वो अभी मालामाल है बेटा, वो क्रिप्टो करेंसी मुझे याद है एक समय था जब कि ये क्रिप्टो बिटकॉइन डॉलर से नीचे उसका वैल्यू था, आज के दिन 60,000-70,000 डॉलर से भी ज़्यादा कभी कभी प्राइस उसका हाइक हो जाता है बिटकॉइन का। तो उसी के ऊपर नज़र रखते हुए इंडिया में भी बहुत लोगों ने माइनिंग आरंभ कर दिया। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप सभी को बता चुका हूँ कि माइनिंग क्रिप्टो माइनिंग का मेन इक्विपमेंट होता है ग्राफिक्स कार्ड। और हम जैसे नॉर्मल कंप्यूटिंग जो करते हैं हमको चाहिए एक आध ग्राफिक्स कार्ड। जैसे मेरा दो कंप्यूटर है, मेरे दो कंप्यूटर में दो ग्राफिक्स कार्ड है, एक में है 1050 Ti, एक में है 1650 सुपर। ये दोनों में लेना चाहता था 3060 और 3070, लेकिन प्राइस जितना हाइक हो गया है उसने वो सपना तोड़ दिया मेरा। तो अभी मुझे ये 1050 Ti और 1650 सुपर से काम चलाना पड़ता है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जो लोग ये माइनिंग करते हैं, क्रिप्टो माइनिंग करते हैं, वो खरीद लेते सब मार्केट में, जितना ग्राफिक्स कार्ड उनको मिलेगा जितना प्राइस हो वो लोग खरीदेंगे सब, क्योंकि वो माइनिंग करके उसका पैसा निकाल लेंगे। लेकिन हम जैसे जो हमारे सिंगल यूजर हैं, जो सिर्फ कंप्यूटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करते हैं, हमको तो चाहिए सिंगल पीस या एक या दो पीस, हमारे लिए तो मुश्किल हो जाता है। वो सब ले जाते हैं माइनर्स,
और बाकी जितना रह जाता है बिजनेसमैन उसका कर देता है प्राइस हाइक। प्राइस हाइक होने के कारण प्राइस हाइक ऐसा हो गया कि मैं जो सपना देख रहा था 30-60, 30-70 लेने का, उसका प्राइस 1-1.5 लाख से ऊपर हो गया। तो वो सपना छोड़ ही दो। ये हो गया एक रीजन माइनर्स ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस बढ़ाना। और रीजन नंबर 2 हो गया COVID-19 या वुहान वायरस। अभी आप सभी को पता ही है कि पिछले 2 सालों में पूरे दुनिया में ये COVID-19 वुहान वायरस ने कितना तहलका मचाया, हर इंडस्ट्री को चोट पहुंचाई, हर इंडस्ट्री का कमर तोड़ दिया। सेम चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी वैसा ही हाल हुआ। और आजकल के ज़माने में मोबाइल कैमरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी, हर किसी चीज़ में, हर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको चिप चाहिए चाहिए। चिप हो गया शॉर्टेज। अभी इन इक्विपमेंट में क्या होगा, मार्केट में जो चिप्स थे, जो चिप्स का भी बिजनेस करते थे, उन्होंने कर दिया प्राइस हाइक। सेम हमारे ग्राफिक्स कार्ड में भी चाहिए चिप, चिप मिल नहीं रहा है। हो गया ग्राफिक्स कार्ड का, जो भी जितने बिजनेसमैन है जो चिप्स रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उन्होंने चिप्स का प्राइस कर दिया हाइक, और उसके कारण ग्राफिक्स कार्ड का भी प्राइस हो गया हाइक। अभी ये समझ चुके हैं हम, हमारा रीजन नंबर 2। और रीजन नंबर 3 वो भी तकरीबन वही वुहान वायरस से भी जुड़ा हुआ है कि पिछले 2 सालों के बाद जब कंपनीज खुलना स्टार्ट हुए, सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सारे कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अभी ये समझ लीजिए हो गया कंपनी के पास रखा हुआ चिप्स या ग्राफिक्स कार्ड, और ये हो गया कंज्यूमर का नीड। और इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये पूरा करते हैं ट्रक्स, कार्गो प्लेन्स, कार्गो शिप्स। अभी ये कार्गो प्लेन्स, ट्रक, शिप, ये तो सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड ही ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये सारे सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी इतना ग्राफिक्स कार्ड कंज्यूमर को भी इतना ही चाहिए, पहुंच तो नहीं पा रहा है पूरा, तो हो गया क्या, बॉटलनेक जा रहा है उतना। ये बॉटलनेक, ट्रांजिशन बॉटलनेक भी एक रीजन है ग्राफिक्स कार्ड के प्राइस हाइक का। तो मैं अपने दोस्तों से जो भी इन फील्ड में काम करते हैं, मैं उन सब से बात कर चुका हूँ, और सभी ने मुझे बोला है कि ये जो हाइक है ये तकरीबन अगस्त सितंबर इस साल तक चलेगा, धीरे धीरे कम होगा प्राइस। आपको MSRP पे ना मिले शायद ये ग्राफिक्स कार्ड, लेकिन MSRP के बहुत पास, अभी जो प्राइस हाइक हुआ है, आर्टिफिशियल प्राइस हाइक, उससे बहुत कम हो जाएगा। तब हमारे जैसे जो सिंगल ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहते हैं, या एक या दो, एक आध लेना चाहते हैं, उनके लिए वो समय फिर ठीक रहेगा। तो अभी जो लेना चाह रहे हैं, मैं कहूँगा वो आप कुछ दिन वेट कीजिए, देखिए। अभी जो आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है, या कोई लो एंड ग्राफिक्स कार्ड सस्ते में जो मिल रहा है, उसी को यूज़ कीजिए। जब उसका ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस थोड़ा कम हो जाए तब लीजिए। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर टॉपिक के ऊपर किसी का भी कोई भी प्रश्न हो, कोई भी कुछ जानना चाहते हैं, प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछें, मैं जितनी जल्दी हो सकता है आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। और आज का सवाल है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अंग्रेज़ों ने कौन से साल में फांसी दिया था? उत्तर देने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना उत्तर भेजिए। और नया साल सबके लिए अच्छा रहे, मंगलमय हो, सभी सुखी हो, आप सभी का आशा पूर्ण हो, वही आशा करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है जल्द से जल्द कर लीजिए। तो फिर से मिलेंगे, धन्यवाद, नमस्कार।